तो ये स्टेन है, देखते हैं हम इसे क्लीन कर पाते हैं या नहीं। दोनों साइड में लगा है और ये जो नया स्टेन रिमूवर है ना, ये ट्राई करके देखते हैं हम। और नॉर्मली ये स्टेन रिमूवर है ना व्हाइट कपड़ों पे ही चलता है। तो सबसे पहले एक हाथ से वीडियो बनानी है और एक हाथ से कैमरा पकड़ना है। मेरे एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी स्टेन रिमूवर अगर आपको ट्राई करना है ना, तो पहले तो कोने पे ट्राई कीजिए कि जहाँ पे अगर कहीं डैमेज वगैरह होता है तो हमें समझ में आ जाए कि हाँ यार यहाँ पे डैमेज हो रहा है। तो इसके ऊपर देखते हैं यूज करके। काफी गाढ़ा स्टेन है, पीछे की साइड में भी थोड़ा सा लगा के छोड़ देते हैं। मेरे को लगता है ना इसको थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा स्टेन को। और ये कुछ ये शर्ट है, ये है, तो मुझे लगता है इसको है ना थोड़ा सा केमिकल लगा के छोड़ देना पड़ेगा। और मैं अभी इसको केमिकल लगा के थोड़ा सा लाइट लाइट हो रहा है, बट वो प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी तो अच्छे से लाइट ये हो गया है। तो इस स्टेन को मैं इस मग में डिप करके रखता हूँ। बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में, 5 मिनट के बाद में वापस से देखते। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ ना तो ये सारा केमिकल वेस्ट हो जाएगा अपना, तो यहाँ पे रहेगा तो ठीक से रहेगा। बने रहिए इसमें। देखिए 5 मिनट में मैंने जब देखा इसे तो ये कुछ लाइट तो हो रहा है, लाइट हो रहा है बट जा नहीं रहा है। मेरे को लगता है ना इसको थोड़ा सा स्क्रब करना पड़ेगा। वाह ये एक यहाँ से स्टेन गया है। अभी यहाँ पे देखते हैं आगे और पीछे दोनों साइड में स्टेन था, इसको भी स्क्रब करके देखते हैं। तो देखते ही देखते स्टेन गायब हो गया है। ये इन्होंने मुझे बोला था कि जो केला आता है ना, केले का जो झाड़ पत्तियों में से जो केले का जो रस आता है ना, उस वजह से ये स्टेन इसमें आया है। तो देख सकते हैं आप लगभग क्लीन हो गया है, 1-2% थोड़ा सा बचा है तो वो भी क्लीन हो जाएगा। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बायलिंग हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।